रॉन्ग। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ओ लेवल्स फिजिक्स फाइव जीरो फाइव फोर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। कोशिश करेंगे इन तीनों सेक्शंस को करने के बाद विल ट्राई कि हम पास पेपर्स को भी देख सकें, नहीं तो परसों की क्लास जो हमारी थर्सडे की है उसमें देख लेंगे। वर्क डन क्या है? वर्क डन ये है बेटा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उस पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस हैज टू बी नेसेसरी थिंग इन योर स्टेटमेंट कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो डिस्टेंस कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसको कहा जाता है आपके पास वर्क डन। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट फोर्स लग रही है और वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज वर्क डन एज पर द डेफिनेशन और स्टेटमेंट ऑफ ओ लेवल फिजिक्स वर्क डन। क्या ये बात याद रहेगी? बिल्कुल, मुजम्मिल उसी तरफ जा रहा हूं भी। तो आपके पास पहली डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस। अब अगर आपने यहां तक अपनी डेफिनेशन ला के छोड़ दिया तो दिस विल बी इनकरेक्ट, रॉन्ग। आगे क्या लिखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस पूरी सेंटेंस की जगह आपके पास एक बहुत अच्छा सा वर्ड हमारी फिजिक्स में अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी जो मोर अप्रोप्रिएट है, या आप कह सकते हैं कंसाइस है? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपने वर्ड डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है, नो कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इफ यू आर मूविंग गोइंग विद द फर्स्ट डेफिनेशन यू हैव टू मेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और एल्स यू कैन गो विद द सेकेंड वन। क्या ये बात समझ में आती है? यस लिख के मुझे बताइए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, एक सेकेंड। देखें आपके पास डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप जा रहे हैं विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस सो यू हैव टू मेंशन डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिकॉज डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और आपके लिए ऑब्जेक्ट की ये चीज बताना जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है, ऑब्जेक्ट ने उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है। तो ये बताना जरूरी है आले जहरा। फॉर दैट यू हैव टू मेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और दूसरा आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? ओके,
अब बात करते हैं, एक टर्म आती है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होता है? ये ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा था, आपने इसको यहां तक उठाया, इसको कहते हैं ए। फिर आप इसको यहां ले गए विदाउट चेंजिंग हाइट। अब जब आपने इसको यहां से यहां तक लेके गए तो देर इज अ वर्क डन, क्यों? अगेंस्ट ग्रेविटी आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वर्क डन होगा, लेकिन जब आप इसको यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हैं तो अब क्योंकि देर इज नो चेंज इन हाइट, तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी देर विल बी नो वर्क डन। क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लीजिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा हुआ है, आप इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी आपने काम करा, तो अगेंस्ट ग्रेविटी कोई ना कोई वर्क डन होगा। अब आप उस ऑब्जेक्ट को विदाउट चेंजिंग योर हाइट और पोजीशन आप इसको इधर लेके जाते हैं, यानी आप हाइट चेंज नहीं कर रहे, आप ऐसे लेके जा रहे हैं, तो अब इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी कोई वर्क डन है? द आंसर इज नो। क्या ये बात समझ में आती है? जी, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। परवा, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। आले जरा जरा क्लास ग्रुप पे मैसेज करें बाकियों को, परवा आप डाल दें क्लास ग्रुप पे, ठीक है? अब आते हैं हम अगली, एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी है एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क। एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क का मतलब क्या होता है? कि आपके अंदर एनर्जी है तो आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर सकते। आपको आता होगा तो आप वो काम करेंगे, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर स्केलर। एनर्जी की कोई सी भी फॉर्म हो उसका ऐसा यूनिट जूल्स है। तो कितनी टाइप्स की हैं भाई? नंबर वन मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, जियोथर्मल, इलेक्ट्रिकल, साउंड, न्यूक्लियर, एचईपी होता है, एचटीपी होता है, पता नहीं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होती है जो ग्रेड 10 में पढ़ाते हैं आपको, ये कुछ हैं, और भी बहुत सारी होंगी जो मेरे जहन में भी आई। हमारे पास इसको पढ़ना है। अब ये क्या चीज है? मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की तीन या चार फर्दर टाइप्स हैं।
एक को हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट वाले को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीन या चार तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक को। काइनेटिक एनर्जी को आसान जबान में हम मूविंग एनर्जी भी कहते हैं। ऐसी एनर्जी जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो हॉरिजॉन्टली, इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे मूव हो रहा हो, यानी हाइट जीरो हो। तो आप काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज टर्म्ड एज मूविंग एनर्जी। द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट और यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। क्या मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल का? जब हाइट जीरो हो या ग्राउंड पर हो। अब आपके चलने में, गाड़ी के चलने में, बाइक के चलने में, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस वक्त जमीन पर चल रहा है, उसमें जो जो एनर्जी डेवलप हो रही है या जिस एनर्जी से वो चल रहा है कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड बनाऊं और एक बॉल बना दूं जिसको आप जमीन पे ऐसे हिट करें और वो इस तरह जा रही हो, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, जो इसको आगे की तरफ ले जा रही होगी। वो एनर्जी जो प्रेजेंट होगी या यूटिलाइज होगी या मौजूद होगी जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे मूव हो रहा हो, उस एनर्जी को आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सफी, ये बात क्लियर है? इसका जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जैसा मैंने पहले कहा था, और इसका ऐसा यूनिट जूल्स है। आगे चलते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा या कम कैसे सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये है हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे पता है हाफ एक नंबर है, कांस्टेंट है। एम मास है, कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। और ये इज इक्वल टू, आपको मैथ्स से एक चीज पढ़ाई जाती है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाया जाता है तो एक इज इक्वल्स होता है, इज इक्वल्स टू होता है, और एक कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो क्या ये रिलेशन बन सकता है?
और से देखें भाई, एक इज इक्वल्स टू हटाया है और एक कांस्टेंट हटाया है, एम अपॉन टू या वन अपॉन टू इंटू एम। तो अब ये बता रहा है कि अगर मैं स्पीड का बढ़ाऊं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने का सिर्फ एक फैक्टर हुआ, और वो क्या हुआ, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ाएंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आप स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कम करेंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? सब यस या नो लिख के दें मुझे, जैफा से लेके ताहा तक। सफी, आगे चले। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है, डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ पर्टिकुलर हाइट और इट इज मूविंग वर्टिकली जरा समझो इसको। ये मेरा ग्राउंड है, मैंने एक बॉल जो जमीन पे रखी उसको उठाया और ऊपर की तरफ फेंका। मेरी बॉल की जर्नी कुछ इस तरह थी, ठीक है जी। बॉल उठाई और ऊपर फेंक दी। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो हाइट बढ़ रही है, यस या नो थम्स अप करो। अब जब ये हाइट बढ़ रही है तो जो एनर्जी आ रही होगी इसमें वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है? जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। इज दिस क्लियर? जब बॉल नीचे आ रही है तो हाइट कम हो रही है, तो जो एनर्जी चेंज होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो? यस या नो बेटा? बॉल यहां जाके रुक गई तो यहां इज एट अ पर्टिकुलर हाइट, यहां कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो एज पर द डेफिनेशन जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तब भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर वो किसी जगह रुका हुआ है तब भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? नॉट अभी नहीं, उस तरफ नहीं जाओ अभी हम ना।
अभी कराऊंगा मैं, वो भी कराऊंगा, अभी ही कराऊंगा। अभी तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी समझो, कन्वर्जन का भी समझा रहा हूं मैं, वो बिल्कुल यू आर 2000% करेक्ट, कन्वर्ट हो। ठीक है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मुजम्मल, ग्राउंड पे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करो तो ये काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब आप इसको ऊपर फेंक रहे हो तो अब वर्टिकल मूव कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी। जब वापस आ रहा है तो अब कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। वो एक जगह रुका हुआ है, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है? के ई मैक्स नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है। ताहा, द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। अब एक और इससे फॉर्मूला नजर आता है आपको कि वेट का फॉर्मूला होता था मास टाइम्स ग्रेविटी, तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला नजर आया आपको, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। आगे चलें, तुम लोग कन्वर्जन में क्यों जा रहे हो? मैं कन्वर्जन पे नहीं गया हूं अभी, अभी इंटरकनेक्शन छोड़ दो, अभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी समझो। बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब वो नीचे आएगा तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आमना भी ये कह रही है, अभी कन्वर्जन पे नहीं जाओ, अभी सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक समझो। अभी हम कन्वर्ट पर जा रहे हैं, अगली हेडिंग ही उधर ही है, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रिलैक्स। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक बड़ा मशहूर लॉ है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, नहीं ये वाला नहीं है, वो तो क्या हो गया है, हम कहते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं एनर्जी को, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। That too with losses. कोई मसला? डन। अब आते हैं जो ताहा और आमना बात कर रहे हैं, वो है जी कन्वर्जन लॉ ऑफ टोटल एनर्जी। मेरे पास एक ये ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर ये एक पोजीशन है ए, बिल्कुल इसके सामने है बी, और बिल्कुल मिड एंड ग्राउंड जीरो पर है मेरे पास सी। इसको हटा दूं, तुम लोगों को समझ आए, यहां हाइट मैक्सिमम है, यहां हाइट मैक्सिमम है, दोनों सेम है वैसे, कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं ए की बात करूं, हाइट मैक्सिमम है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब ये मैक्सिमम होगी
तो इस जगह वेलोसिटी जीरो होगी। वी ऑल नो कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैक्सिमम हाइट तक फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सेम काम होगा बी पे भी, कोई मसला? डन। ओके अगर हम सी की बात करें, क्योंकि सी ग्राउंड पर है तो यहां हाइट जीरो हो गई। जब हाइट जीरो हुई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मैक्स होगी और वेलोसिटी ज्यादा होगी। कोई मसला यहां तक? डन। ओके इधर देखें, ए क्या है भाई, 1 मीटर हो या 1,000 मीटर हो, इस कंपैरिजन में ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा हाइट ये है। तो यहां पे हाइट मैक्सिमम है, जब हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होना है। कैसे जीरो होगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी, मास तो जीरो कर नहीं सकता मैं वहां पे। सेम बी पे होगा। अब सी पे क्या हुआ कि आपके पास ग्राउंड जीरो हो गया, ग्राउंड पे हैं आप, तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इसके अलावा जो रीजन है उसमें आपके पास जो लॉ है वो ये कहता है कि जिस रेशियो से काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा होगी, ये बिल्कुल सेम होगा उस रेशियो के जिससे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी। यानी अगर मैं कहूं कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, लेकिन इन दोनों का फैक्टर सेम होगा। अब जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगेन फैक्टर सेम होगा। तो अब क्या यहां तक बात समझ में आती है, जैप्पा से लेके सफी तक? देखें, जिस रेशियो से आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसी रेशियो से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मेरा मतलब सादा सा ये है,
सभी रबिया, इब्राहिम, आमना, ताहा, क्लियर है? ओके okay. अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये हाइट है, लेट्स से एच, कोई भी एक नंबर है, मैं कहता हूं यहां एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी चाहिए, होता है ना वो स्लाइड होती है, पता नहीं क्या होता है, तो एक कुछ चीज होती है उसमें स्लिप होते हुए नीचे आ जाते हैं, स्लाइड ही कहते हैं शायद उसको, वो पास पेपर का सवाल है, तो आपके पास यहां से लेके इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी चाहिए, मुझे अगेन ये पता है के लॉस और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा एम जी एच, और ये फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे पता है मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो मास से कैंसिल हो गया, डन। तो अब आपके पास ये टू यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा टू जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। आपसे मुझे क्या चाहिए था, स्पीड चाहिए थी या वेलोसिटी चाहिए थी? तो स्क्वायर का जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन होता है अंडर रूट, तो आपने दोनों साइड पर अंडर रूट ले लिया, फॉर्मूला वुड बी अंडर रूट टू जी एच। आपको सिर्फ हाइट पर पुट करनी है जी की वैल्यू, बच्चे को भी पता है क्या है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई? डन। हाँ मैं वही बताने आ रहा हूं, जब आपके पास वैल्यू गिवन हो तो वो यूज करिएगा, नहीं हो तो 9.81 यूज करना। क्लियर यहां तक जी? अब आते हैं आगे, पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम, और एनर्जी यूटिलाइज्ड यूज्ड कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। यहां पावर लॉस भी निकाल सकते हैं, एनर्जी वेस्टेड।
पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई पर यूनिट टाइम, दैट विल बी पावर लॉस। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। द एसआई यूनिट इज वॉट, कैपिटल डब्ल्यू लिखा जाएगा जी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? डन यहां तक क्लियर है? अच्छा जी सभी, अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का सिंबल है ईटा, ये वो थीटा फाई एप्सिलॉन ओमेगा, उस खानदान से ताल्लुक रखता है। इसको लिखते कैसे? एन लिखें और इसकी दूसरी टांग लंबी कर दें, ये होता है ईटा। अब ईटा क्या है? क्या भाई? रेशियो है, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। कितने परसेंट पावर इनपुट हुई और आपने कितने परसेंट आउटपुट की? द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक कॉपी करें, डन वो जो वैल्यू गिवन होगी उसको यूज कर लेंगे। अगर आपको पावर गिवन है तो आप पावर वाला फॉर्मूला लगाएं, अगर आपको एनर्जीज गिवन है तो एनर्जी, एनर्जी से पावर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर जी? है आज यहीं तक रखते हैं, जो थर्सडे की क्लास होगी हमारी 7 बजे, उसमें मैं आपको इसके पास होकर क्वेश्चंस कराऊंगा और इंशाल्लाह आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आप सबको, अहमद से लेके ताहा तक। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोशिश करता हूँ कि जल्दी लाइक विद इन एन 20 to 30 मिनट्स ये लेक्चर अपलोड हो जाए, ताकि फिर आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग इसको बाद में देख सकें और आपके क्लासमेट्स देख सकें, वो लोग जो नहीं है इस क्लास में पेपर होने की वजह से वो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम।